1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आएगा, उनका भी किसानों को उसका ही फायदा है। बाकी हम लोग जो भी हम देखा होगा जो आयोजित करके दुनिया भर को मोटे अनाज खाओ कुपोषण भगाओ का एक प्रोत्साहन दिया है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ एक हमारे सामने भी एक अवसर है किस प्रकार से हम लोग इसी तरह आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे लोगों की जानकारी जो बढ़ेगी न्यूट्रिशन के वैल्यू के बारे में और ज़्यादा इसी तरह लोग बढ़ेंगे और यही उद्देश्य होना चाहिए। मैंने रिसर्च की बात करी, जितनी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगा। फिर हमारी जो स्कीमें हैं सरकार की, फूड प्रोसेसिंग की है, फूड बिजनेस की है, फूड को एक्सपोर्ट करने की है, वो इतनी शानदार है कि 2-2 करोड़ रुपये तक के उसमें अनुदान है। अगर किसान उसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए भी है, नॉन किसानों के लिए भी है, खेत के अंदर अपना काम वो कर सकते हैं, तो ये भी एक अवसर उनके लिए। आप जो मोटा अनाज है उनकी रिसर्च होगी या हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो खुद ऐसा कोई प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यूएडेशन का एक्सपोर्ट करेंगे, तो किसानों को लाभ होगा। और आम जनता मैं समझता हूँ कि पोषण के लिए भी जरूरी है कि मोटे अनाज इधर बढ़े। जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। अडानी वाले मामले में जेपीसी की मांग को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन है कांग्रेस का, वो चल रहा है। वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम है, AICG के प्रोग्राम है, उनके आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है। तो सर इसमें केंद्र और अडानी का 75% आप अनुदान दे रहे हैं प्रसंस्करण के लिए, तो 75 अनुदान दे रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए जो बाजरे की या मोटे अनाज की MSP बढ़ाएंगे, ये तो मैंने भी बोला है इसी तरह बढ़ना चाहिए। परंतु हमने जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पहली बार और अंतिम बार बाजरे का उस वक्त में MSP के आधार पर लिया गया था, प्रोक्योरमेंट हुआ था। उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कम समय बाद में ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद में भारत सरकार देती है जो एडवांस आपको देना बंद कर दिया, अब वो स्थिति नहीं बन रही। पर कोई कारण होना चाहिए कि ये मोटा अनाज खराब नहीं हो लंबे समय तक, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च होगी, कोई रास्ता निकलेगा, तो वक्त आएगा कि हो सकता है भारत सरकार भी इसको लेकर निर्णय कर ले कि देश के अंदर बाजरे का भी MSP लागू होगा और उसका प्रोक्योरमेंट भी होगा। जितना प्रोक्योरमेंट होता है राज्य में उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र की होती है, नेफेड की होती है, सबकी होती है। तो मेरा मानना है कि उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश किए गए 2 बार सर, और किस तरीके से बड़ा मैसेज देखिए, कृषि बजट पेश करने के बाद में ही जो फैसले हमने किए उनके लिए, आर करीब 20,000 करोड़ रुपए हम लोग सब्सिडी दे रहे होंगे, बिजली के हम लोगों ने जिस प्रकार से 2,000 यूनिट फ्री कर दी, करीब 12,00,000 किसानों को फायदा मिलेगा, उनके बिल जीरो आएगा। उपभोक्ता को हमने जो 100 यूनिट फ्री करी है उसमें किसान भी आते हैं, किसानों के यहाँ कुएं का कनेक्शन अलग होता है और अपने झोपड़ी का, अपने मकान का, अपने रहवास का अलग कनेक्शन होता है। करीब 1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आएगा, उनका भी किसानों को उसका ही फायदा है। बाकी हम लोग जो भी हम देखा होगा जो फिर बताई गई कि जो अपने जो बीज है उनके किट बांटने की बात हो, उन्हें राह देने की बात हो, महंगाई का दौर जो चल रहा देश का, महंगाई और बेरोजगारी, और हम देखें राहुल गांधी ने तो करीब 4,000 किलोमीटर यात्रा कर ली इसके लिए, महंगाई बहुत भयंकर, बेरोजगारी है, बाकी भी जो तनाव और टेंशन और जो हिंसा है वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो मुद्दे चारों उनके अच्छे थे, अमीर गरीबी खाई बढ़ रही है, किसान भी उसको समर्थन देगा, किसान जानते इस बात को कि जो आंदोलन हुआ है 1.5 साल तक 1.75 साल तक किसे कहते हैं, इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। 1.75 साल तक किसान लोग सड़कों में बैठे रहे, करीब 600 किसानों की मृत्यु हुई उसके अंदर, ऐसे काले कानून बना दिए बिना उनको पूछे हुए,
कोई भी कानून बनता है तो इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास किया जाता है, और बगैर प्रयास करते हम करते हैं तो फिर बाद में तकलीफ भी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटे अनाज का जो कॉन्क्लेव है मिलेट का, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और राजस्थान सरकार पूरी तरह इसमें अपना आपको इन्वॉल्व करेगी। और रिसर्च का काम भी मैंने आपको कहा, करीब 50 से अधिक कॉलेज खुल जाएगी यहाँ राजस्थान में कॉलेज कृषि की, और 5 विश्वविद्यालय बन गए हैं, तो रिसर्च की पूरी संभावना यहाँ पर है। सर गांव में बड़ी समस्या है, मतलब कई कई जगह जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनके पद खाली है, तो एक पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार गांव का चार्ज है, वो समय पे पहुंच नहीं पाते थे। सबसे बड़ी समस्या ये है समय के साथ बेनिफिट देते थे, समय के साथ समय पे नहीं मिलते। समय के साथ जो आप लोग सुझाव देंगे उनको हम आगे बढ़ाएंगे, समय हल करेंगे। अभी सर रिसेंटली रबी की फसल में प्राकृतिक रूप से 4 बार किसानों को समस्या का सामना पड़ा है, शीत लहर आई है, ओलावृष्टि हुई है, किस तरीके से देखिए अच्छी बरसात हुई उनके बहुत बड़े फायदे भी हैं, तो अभी तक बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, नुकसान बहुत हुआ है, हमने गिरदावरी उसी रात को, जिस रात को ओलावृष्टि हुई भारी बरसात हुई उसी रात को मैंने आदेश जारी कर दिए कि आप भी गिरदावरी शुरू कर दीजिए। तो हमारा फोकस जो है वो किसानों की समस्याओं पे भी है, किसानों की आय कैसे बढ़े और महंगाई की मार कैसे कम हो, ये जो हमारे फैसले हैं सोशल सिक्योरिटी के, इसके अंदर जो किसान लघु किसान हैं उनके पेंशन का भी है, हम आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं, उनमें लघु किसान भी है, वृद्धजन भी है, बूढ़े लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, महिला बुजुर्ग हैं, विधवाएँ हैं और निःसहायजन हैं, इन सबको मिला के करीब 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सब जो है हमारे जो सोशल सिक्योरिटी की जो सोच, वो मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करी, आप मीडिया माध्यम से और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारत सरकार को, वक्त आ गया कि आप इस गुरु बनने की बात तो करते हो, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हर परिवार जिसको जरूरत है, सब तो आएंगे भी नहीं, पर जो गरीब है या मध्यम वर्ग के हैं उनको गारंटी हो सरकार की, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के वक्त में जो लोकसभा में कानून पास हुए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट का हुआ है, नरेगा का हुआ है, उसी ढंग से कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि मजदूर हो या कोई ठेले वाला हो, बुढ़ापे कहने ना उसका ठेला चलता है ना मजदूरी कर सकता है, उसको घर बैठे हुए पहले मिलने चाहिए, और 5,000 नहीं जो हम दे रहे हैं बाकायदा जितनी उसको जीवन यापन करने के लिए पहला मिले, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। और ये हमारा धर्म भी, हमारा कर्तव्य भी है, हर परिवार विदेशों में मिलता है, वीकली पहला मिलता है, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग भी सोशल सिक्योरिटी लागू कर दें सबके लिए। एक मजदूर एक बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये कोई मशीन से बनी है क्या, कि मजदूर ने काम किया जब सही साथ ही देता है उनको बुढ़ापे में, वो घर बैठा हुआ बेटा बेटे पोते भी नहीं मान लीजिए हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं, मदद नहीं कर पाते, कई परिस्थिति होती है, उस परिवार का कौन ध्यान रखेगा, उस परिवार का ध्यान भी रखे सरकार रखे, ये कर्तव्य हमारा। इसलिए मैंने एक आवाज़ उठाई है, असेंबली में बोला हूँ और बाहर भी बोल रहा हूँ, बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भारत सरकार सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में आप देखेंगे हर राज्य में एक ही पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को, मजदूरों को, विधवाओं को, निःसहायजनों को। अभी क्या हो रहा है, कोई कम देता कोई ज़्यादा देता है, और भारत सरकार का हिस्सा तो ऐसा होता है कहते भी शर्म आती है, हम देते 12,000 करोड़ देते हैं, वो देते 300 करोड़ रुपये दे रहे हैं, 300 करोड़ समझ नहीं आप क्या हो रहा है। तो भारत सरकार की आदि हो पूरा कानून बने, जैसे देश की में जो SC ST कहलाती है, SC ST कहलाती है सेंट्रल स्कीम, उसी ढंग से ये कानून बन जाए। अगर नरेगा की तरह भारत सरकार पूरा पैसा नहीं दे सकती है तो कम से कम राज्य सरकार है वो मिलकर दे देवे, पर प्रॉपर वे में कानून बन के उनको सिक्योरिटी हो जाए, लाइफ में
बुढ़ापा आएगा तो हमें तकलीफ नहीं आएगी। जैसे हमने ओपीएस क्यों लागू किया है कर्मचारियों के लिए, मांग भी नहीं की उन लोगों, हमने मानवीय दृष्टिकोण से किया है कि बुढ़ापे कहने 35 साल के बाद में वो आदमी क्या करेगा। शेयर मार्केट ज़्यादा रहेगा, अभी अडानी वाला मामला हुआ, धड़ाम हो गए शेयर, उसके आधार पर उनकी पेंशन फिक्स होगी, तो उससे कैसे काम चलेगा। जरूरी है कि उसको सिक्योरिटी रहे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर 65 साल तक ओपीएस नहीं थी बूढ़े पेंशन, तभी देश यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जहाँ सुनी मंत्री थी, आज क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, विकास हुआ देश का सब मानते हैं। ओपीएस रहते हुआ है, आगे क्या तकलीफ है कि इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं, वो अपने इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कर रहे होंगे, मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अगर वित्तीय प्रबंधन शानदार करेंगे, एक कर्मचारी अधिकारी अगर साथ देंगे पब्लिक का सरकार का, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, वित्तीय प्रबंधन शानदार होगा, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो सब मिलकर ही हम लोग जो आने वाले वक्त में मैं समझता आगे बढ़ेंगे। सर, आपने कोऑपरेटिव बैंक के फर्जीवाड़े को रोकने के, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक जिस तरीके से चीटिंग कर रहे हैं उसको लेकर के मीटिंग ली है, किस तरीके का प्रावधान राज्य सरकार तैयार?